नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मां सीता धाम स्थित बने शराब के ठेकों को हटाए जाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। मैनपुरी शहर स्थित मां सीता देवी धाम के नजदीक बने शराब के ठेकों को हटवाए जाने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी मैनपुरी को ज्ञापन सौंपा है। उत्तरी विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री आदित्य शर्मा ने बताया कि आए दिन शराब पीकर लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गाली गलौज, मारपीट, लूटपाट व अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं और मंदिर प्रांगण में भी शराब पीकर झगड़े करते रहते हैं, जिसको लेकर सरकार व प्रशासन से मेरी अपील है कि मां सीता धाम परिसर के नजदीक बने शराब के ठेके को हटवाया जाए, ताकि आम जनमानस सुरक्षित रह सके और आए दिन होने वाले आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा सके, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद के अलावा कई संगठनों ने भी मंदिर परिसर के नजदीक बने शराब के ठेके को हटवाए जाने को लेकर आवाज उठाई है और मां सीता धाम परिसर के नजदीक शराब के ठेके को हटवाने की बात कही है, जबकि सरकार की भी मंशा है कि मंदिर व स्कूल के नजदीक कोई भी शराब के ठेके, नशीला पदार्थ आदि दूर हो, जिससे आम जनमानस और विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राएं भी सुरक्षित रह सके। न्यूज 9 भारत के लिए मैनपुरी से मोहित शर्मा की रिपोर्ट। शर्मा, विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री। अदित्य जी, आप लोग एकत्रित होकर के आए ज्ञापन देने के लिए, क्या मांग है, किस मांग को लेकर आए? जी, ये देवी रोड स्थित माता शीतला मंदिर का मंदिर है, वहाँ पे ये शराब का ठेका है जो 100 मीटर की दूरी के ही अंदर है, जबकि मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के आदेश अनुसार यह सारे शराब के ठेके 500 मीटर की दूरी पे होने चाहिए, जो कि आदेश अनुसार नहीं है। हालांकि वहाँ मंदिर परिसर में आए दिन शराबियों से झगड़ा, मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग होता रहता है। वहाँ दूसरी तरफ नगर पालिका परिषद की ओर से वहाँ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ आए दिन पॉलीथीन पड़ी रहती हैं जिसका सेवन गाय वगैरह करती हैं। मेरी आदरणीय महोदय जी से मांग है कि जल्द से जल्द इस शराब के ठेके को 500 मीटर से दूर कराया जाए।